सो हेलो फ्रेंड्स, आज की न्यू वीडियो में स्वागत है और बिजी जैनल चैनल में स्वागत है। सो फ्रेंड्स, पहले आप देखते थे हरियाणा ब्लॉग और बिहार का ब्लॉग देखिएगा। दोस्त मेरे बिहार का ही है और मेरे साथ भी जाएगा काम करने के लिए। सो मैं आज फाइनली कहीं दूसरे जगह जा रहा हूँ। ये शाहपुर गाँव है मेरा। सो मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ का गांव का नाम है पर्वती और वहाँ एक पहाड़ भी है। सो फाइनली रनिंग करते हैं वहाँ जाने के लिए और मैं साइकिल से जाऊँगा। फाइनली फ्रेंड्स, ये मेरा साइकिल है। साइकिल की मेरी जान भी कह सकते हैं इसको। सो लेट अस स्टार्ट करते हैं। अब आपको दिखाते हैं कैसे कैसे जाते हैं। मेरे जो शाहपुर गाँव है ना, वो चार मोड़ है जो बाकी हम लास्ट वीडियो में कह देंगे कि चारों मोड़ कौन कौन से पथ जाता है। सो लेट अस स्टार्ट। यार चल चल जल्दी से चल। सो फाइनली फ्रेंड्स, ये मेन रोड है गांव का, शाहपुर गांव का। और ये जो दिख रहे हैं ना, ये साइड में पूरब साइड है और इधर मैं पश्चिम साइड जाने वाला हूँ। यहाँ से 3 किलोमीटर शाहपुर मोड़ से पड़ता है पर्वती पहाड़। पर्वती मेरा पोस्ट भी पड़ता है। सो लेट अस स्टार्ट करते हैं, साइकिल पर बैठे थे। फाइनली ड्राइविंग कर रहे हैं। सो फाइनली फ्रेंड्स, किसी ने कस्टमर केयर वाला कॉल कर दिया है और मैं एक जंगल एरिया में बैठा हूँ। जंगल एरिया। सो हाय फ्रेंड्स, ये निप्रा गांव है। अरे चिन्नर बजाना मिल गया हो यार। सो फाइनली फ्रेंड्स, एगो बकलोला मिल गया था गांव का ही। और ये निप्रा गांव है, यहाँ मेरी गर्लफ्रेंड का घर भी है। इसके बाद पर्वती पहाड़ है, ये भी निप्रा मोड़ है। निप्रा गांव है ये निप्रा गांव है और उसके बाद पर्वती पहाड़ आएगा। हाय फ्रेंड, देखो इस निप्रा गांव का खेत कलिया। फ्रेंड्स, आगे पर्वती पहाड़ को चलने वाले हैं। पुल पर पर्वती के नज़दीक आगे हैं, पहुंचने वाला हैं। अब दिखाएंगे आगे जाके सीन। सो फाइनली फ्रेंड्स, पर्वती गांव पहुंच गए हैं। ऊपर पहाड़ पे चढ़ेंगे। मेरे को पेशाब लग गया है फ्रेंड, पेशाब करके जाएंगे यहाँ से। हाय फ्रेंड्स, आ गए पर्वती पुल पर। देखिए पुल है हमारे, और देखो ये मूत रहा है, देखिए सुसु कर रहा है। देखो पेशाब कर रहा है, कैसे वो मूत रहा है। हाय फ्रेंड्स, पर्वती पहाड़ पर आ गए हैं। यहाँ पे दुर्गा माता की मूर्ति मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं पर्वती गांव में हूँ और यहाँ दुर्गा माता का मंदिर मिलता है। स्टार्टिंग में ही मिलता है आपको और इधर से हो गए ये तो फोटो भी मैं दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर गेट है, मोटरसाइकिल लगा हुआ है, वहाँ पे मेन गेट है। एक बाबा जी जा रहे हैं। प्रणाम बाबा जी। देखिए खुश रहने के लिए बोले हैं बाबा जी। यहाँ बहुत सारे लोग भी आते हैं। सो मेरा देवराज दोस्त अंदर हेल भी गया। और सो फ्रेंड्स, यहाँ आप जब आइएगा तो बाहरी लगाना पड़ता है जो भी साइकिल हो, नहीं तो अंदर लेके अलाउड नहीं है अंदर ले जाने के लिए। सो मैं भी हेलता हूँ। और इस तरह का नज़ारा आप देख लीजिए। और मैं दोनों फाइनली एंजॉय करेंगे
नोरा फतेहसी वाला मना की गाना सुन रहे हैं इसमें। सो फ्रेंड्स, यहाँ सिक्योरिटी रहता है कुलकांडू दोस्त, बड़ी मारता है मार की, तो साइकिल लाता है ना तो हारे निकाल देता है सिक्योरिटी। इधर पहले चलते हैं, इधर कुछ ज़्यादा नहीं है, ऐसी भूताहा जैसा है इधर बना हुआ, आपको डर लगेगा। हाँ, लेकिन एक बात है, अगर जो आपके पास गर्लफ्रेंड है तो इधर ला के सेक्स कर सकते हैं। हाँ, नहीं है, देखो मेरा रिएक्शन ऐसा था जब मैं सेक्स बोल रहा था। हाँ हाँ, तन्हारी सुकमन। फ्रेंड्स, मैं जब एक बार और आया था अपनी बहन के साथ, इधर आने में तो डर रहा था और बहन लग रहा था जैसे भूत ही है। आपको भी भूत का महसूस होगा इधर आने के बाद। नया मैंने बना हुआ नहीं था, और ये बिहार राज्य के नवादा जिला एंड गया गया अनुमंडल और क्या बोलते हैं प्रखंड वारसलीगंज शाहपुर गांव के पोस्ट पार्वती गांव है। मेरा पोस्ट पार्वती में पड़ता है और मैं दिखा देता हूँ यहाँ आप कैसे, मतलब कोई गर्लफ्रेंड हो तो सेक्स कर सकते हैं। फाइनली फ्रेंड्स, एकदम भूता ही आनी लगता है, मैं तो आज हिम्मत बन गया है क्योंकि मेरे साथ दोस्त है, उस टाइम मेरी बहन थी ना, इसलिए मैं कुछ कुछ डर फील कर रहा था, लेकिन आज दोस्त है तो अंदर भी जाएंगे रूम के अंदर, एकदम टूटा फूटा जैसा नहीं लगता है, बहुत भूता ही है जैसा ऐसा है यार, लेकिन अभी भी हमें कुछ डर महसूस हो रहा है, आपको भी डर लगे। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैं अंदर जाता हूँ, हमको डर लगा गया। अरे बाप रे बाप, ये तो नदी हो यार। सही हम बोले थे यार, सेक्स करने लाओगे तो सही हो गया। इधर से भी वहाँ जाने का रास्ता है, इधर तो और डरावना है, इसमें रूम में चलते हैं ना, क्या होता है, बहुत डर लग रहा है यार। ओके भाई, हाँ ये हमारा डर सही में लग रहा है, लोग कहीं अरे वाह। ये इधर हुए एक रूम है यार, अगे मैया, सही बाथरूम है, है ये रूम में अरे बाप रे बाप, अरे इधर अरे बाप, इधर तो खतरनाक है यार, किचन रूम है, अरे बाप रे बाप, कैसा बाहर निकला निकालूंगा, सोच पर्वती पहाड़ है, अब नहीं जाता जाएंगे, अब चलते हैं फ्रेंड, ये तो नीचे का घूर लिए, अब पहाड़ पे चढ़ते हैं, पहाड़ देखिए जना रहा है कुछ, देखिए नजदीक करते हैं, पहाड़ पर एक मंदिर है और एंड मस्जिद भी है, और इधर नीचे के नज़ारा था कुछ, मतलब जो आते हैं ना घूरने के लिए उनके लिए कुछ बनाया था, लेकिन यहाँ का बिहार का पब्लिक तो जानते ही हैं कि कुछ बनने नहीं देता है, तोड़ फोड़ देता है, देखा है आप कैसे टूटा हुआ घर देख लिया। सो बिहार में कुछ बनने देता है लेकिन तोड़ फोड़ कर देता है पब्लिक, और मैं पहले से ही बता रहा था कि हाँ आप गर्लफ्रेंड ला सकते हैं, देखे कि रूम में क्या गंदा शब्द लिखा हुआ था। हाँ, अब ऊपर का नज़ारा दिखाते हैं कैसा होता है बिहार का नज़ारा। सो फाइनली उधर वो भुतैया वाला था और इधर में स्टार्टिंग वाला, और इधर ऊपर पहाड़ की ओर जा रहे हैं। सो मेरा फ्रेंड जा रहा है, अब दिखाते हैं आगे से ऐसे कैसे जाना है। सो ये पर्वती गांव, अरे मेरा दोस्त कुछ कहना चाहते हैं, कहिए पब्लिक को, ये तो दौड़ के मोबाइल पकड़ने लगा है यार, कुछ घुस गया है मेरे पॉइंट के अंदर। हाय फ्रेंड्स, यहाँ आगे आ चुके हैं, चढ़ रहे हैं पहाड़ पर और आगे जाके दिखाते हैं क्या क्या मौजूद है यहाँ पर्वती पहाड़ पर। ये रास्ता है, देखिए रास्ता कैसा घुरा घुरा है,
और देखिए कितना जंगल हो चुका था, पहले आए थे तो जंगल इसमें नहीं था, अब देखिए जंगल कितना भर गया है। सो फाइनली फ्रेंड्स, एक यहाँ पे मस्जिद है, किसी मियाँ का देवतार है, और इधर से पूरा गांव पर्वती गांव दिखता है। सो चलते हैं इस मस्जिद के अंदर और देखते हैं, पता नहीं नाम क्या है, पर चलते हैं। सो फ्रेंड्स आ जाओ, वो गाना बजाने में लगा हुआ है देवराज नाम है। और फ्रेंड्स यहाँ तो कुछ लगता है पूजा और हो रहा है, पूजा हो रहा है। सो फ्रेंड्स यहाँ से टर्निंग समाप्त होता है, एक और टर्निंग है। और यहाँ देखिए मंदिर दिख रहा है ना, यहाँ श्री राम मंदिर है, राम भगवान का मंदिर है। और चलते हैं राम भगवान का दर्शन करते हैं। और फाइनली ये यहाँ से पूरा एकदम एरिया दिख जाता है, यहाँ से देखिए एरिया दिख जाता है, ये नेपरा गांव है। और ये थोड़ा मेरा शाहपुर गांव दिख रहा है, और ये पर्वती गांव। और ये थक गया है, गाना में मस्ती एंजॉय कर रहा है, क्या बोलना चाहोगे? आगे जाकर बताएंगे, जो गाना सुन रहा है गाना बोलो। सो फाइनली यहाँ पर जो पेड़ दिख रहा है ना फ्रेंड्स, इस पे आप जो लड़की चाहते हैं, प्यार करते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं नाम पेड़ के। देखिए कितना सारा नाम लिखा हुआ है, पहले फर्स्ट यही मैं बताता हूँ, हर कोई प्रेमी यहाँ पे नाम लिखता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। देखिए कितना सारा नाम लिखा हुआ है, के लिखा हुआ है, यहाँ पर मेरी गर्लफ्रेंड का नाम लिखा हुआ है, देखिए गुड़िया मेरी गर्लफ्रेंड का नाम है। और यहाँ सारा बहुत सारा डी के एस बहुत सारा नाम लिखा हुआ रहता है। इधर पश्चिम साइड में एक बुद्ध भगवान का मंदिर है, बुद्ध भगवान का मूर्ति है, तरह से यहाँ एकदम ग्राउंड की तरह इतना बड़ा बना हुआ है। वहाँ पे बताए थे ना, वहाँ पे लिखा हुआ है, फिर से बैठ गया गधा ये। चलिए अब वहाँ आते हैं, वो तो थक गया है, मैं दिखाता हूँ। और यहाँ आज तो 26 जनवरी है एंड सरस्वती माता का भी पूजा है, तो यहाँ झंडा भी फहराया है, जनगण मन जो भी होता है। और चलते हैं अब आगे, देखिए यहाँ पे यहाँ से सीढ़ी पर जाएंगे, ऊपर एक मंदिर है, श्री राम मंदिर है। और चलते हैं, पूजा हो रहा है फ्रेंड्स, आज कुछ पर्व है ना, इसी के चलते पूजा हो रहा है। फिर यहाँ तो गोला घर बना हुआ, देखिए पूरा दिख रहा है ना,
श्री राम भगवान का दर्शन हो गया आप सबों का। और यहाँ से पूरा एरिया नवादा एरिया जो दिखता है कुछ, मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा मोड़ा दिखता है एक दो गांव बगल में। सो मैं जाते जाते दर्शन कराता हूँ यहाँ से। अभी और भी जगह है, एक जगह और है, गुफा है, बाघ का गुफा है। एक बार और आपको दर्शन करवाता हूँ। देखिए दिख रहा है राम भगवान, सीता माता, लक्ष्मी, लक्ष्मण जी। सो फिर से चलते हैं नीचे। तो फाइनली फ्रेंड्स, वहाँ पे मंदिर है वहाँ पे, और वहाँ से सीढ़ी जाने का रहता है। और यहाँ पे बुद्ध भगवान का। और यहाँ पर मैं तो पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पे लड़का लड़की का नाम लिखाता है। हो सकता है थोड़ा थोड़ा प्यार गहरा होता है, पर मुझे तो नहीं लगता है प्यार गहरा होता है, क्योंकि मेरी भी गर्लफ्रेंड होके आवाज निकली फ्रेंड्स। और इधर एक बाघ का गुफा है इधर नीचे की ओर। क्या हुआ रे, चलते दौड़ के आया, चलते नीचे। अच्छा ये पत्थर है, दौड़ के आया, हमें डर लगने लगा। तो अब हम नीचे चलते हैं, बाघ का गुफा है। सो ऐसा नहीं माना जाता है कि बाघ का गुफा है, ऐसा ही बना हुआ है बाघ का गुफा। और इधर माना जाता है ना कि ये बाघ का जो गुफा है ना फ्रेंड, वो 10 किलोमीटर पहाड़ी के नीचे नीचे कैसे करके गया है अंदर। बरसलीगंज मेरा प्रखंड है, तो 10 किलोमीटर दूरी तक गया है। कोई बोला था, ऐसे बोला था, अब हमें नहीं लगता है कि गया था नहीं, पर अब क्या सच है वो नहीं पता है। तो मैं चलता हूँ नीचे, आप देखते। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैं नीचे चल आ रहा हूँ। और यहाँ देखिए, यहाँ से सड़क भी दिखता है, सड़क देखिए, गाड़ी जा रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ बुद्ध भगवान रहते हैं। ये बाघ का गुफा है माना जाता है, लेकिन बाघ जैसा ढांचा नहीं बना हुआ। और इसके अंदर भी गुफा है, इसके अंदर बहुत मतलब गमकता है फ्रेंड्स, चमगादड़ जैसा गमकता है वहाँ पे। बुद्ध भगवान के मंदिर हुआ है, और वहाँ से फ्रेंड्स मैं थोड़ा अंदर करता हूँ। और वो जो दिख रहा है ना फ्रेंड्स, उसी के अंदर 10 किलोमीटर अंदर गया है। फाइनली फ्रेंड्स, मैं वीडियो यहीं तक एंड करता हूँ। सो फाइनली फ्रेंड्स, वीडियो यहीं तक मैं एंड कर रहा हूँ। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको आना है घूरने के लिए यहाँ, तो मैं डिस्क्रिप्शन में सब कुछ डाल दूँगा, वहाँ से आप आ सकते हैं। कैसे कैसे आना है वो मैं तो नहीं बता सकता हूँ कि यहाँ से ऐसे आना है, यहाँ से ऐसे आना है, लेकिन ये बता दूंगा कहाँ से कैसे आना है, उसमें एड्रेस पता सब कुछ डाल दूंगा। और मेरे फ्रेंड्स भी कुछ बोलना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, ये तो सिगरेट पी रहा है अभी। सो फाइनली फ्रेंड्स, बाय करते हैं यहीं से, वीडियो एंड करते हैं।